हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स वीडियो सीरीज के इस फोर्थ एपिसोड में मैं राजीव शर्मा किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे डिस्कस कर रहा हूं। और लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रेटलो एक्सप्रेशन क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और यदि आप अपने रेटलो एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। यदि हम देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के फोर डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है इनिशियल रेट मेथड, सेकंड इंटीग्रल मेथड है, थर्ड ग्राफिकल मेथड है और फोर्थ हाफ लाइफ मेथड है। इस वीडियो में मैं इनिशियल रेट मेथड डिस्कस कर रहा हूं और जो सब्सिक्वेंट वीडियोस इसको फॉलो करेंगे उसमें मैं बाकी के मेथड्स डिस्कस करूंगा। तो इनिशियल रेट मेथड में हमें इस तरह से गिवन होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ और उसमें इनिशियल रेट मेथड फाइंड आउट किया होता है और उस डेटा को यूज करके हम बेसिकली रेटलो एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो सारी रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है और रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यदि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेटलो एक्सप्रेशन पता हो तो हम बहुत आसानी से मैकेनिज्म्स ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि केमिस्ट्री में हमें मैकेनिज्म्स पता हो तो हम उसको केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो जो मैं दो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उन क्वेश्चंस में बेसिकली डेटा गिवन है और डेटा जो है उसको हम उसको कैलकुलेट करके बेसिकली हम रेटलो एक्सप्रेशन निकालेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछे हुए हैं, जैसे IIT हो गया, नीट हो गया या और डिफरेंट एग्जामिनेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है कि हमारे को एक रिएक्शन गिवन है कि 2 moles of A plus B is giving C plus D, और इसमें हमें डिफरेंट चार डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स गिवन है और इन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमें डिफरेंट कंसेंट्रेशन के साथ इनिशियल रेट गिवन है। जैसे इसमें देखें तो हमारे को A और B की कंसेंट्रेशन गिवन है, उसके साथ क्या है, इनिशियल रेट D का दिया है जो एक प्रोडक्ट है। तो हम इसके हिसाब से अब कैलकुलेट करेंगे कि इसका हमें पूछा क्या है कि रेटलो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करनी है और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और उसकी ऑप्शंस गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक हाइपोथेटिकल रेटलो एक्सप्रेशन बना लेंगे और हाइपोथेटिकल रेटलो इस तरह से आएगी। अब इस हाइपोथेटिकल रेटलो से क्या है कि सेम वही चीज हो जाएगी कि ए के जो है मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि एक्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और बी के जो है वाई मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में क्या है, हमारे को डिफरेंट सेट ऑफ आर की वैल्यूज पता है, डिफरेंट सेट ऑफ ए की वैल्यूज पता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए पता है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी पता है और रेट ऑफ रिएक्शन पता है। तो यदि ये इक्वेशन में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास चार डिफरेंट इक्वेशन आ जाएगी और वो चार डिफरेंट इक्वेशन इस तरह से हो जाएंगी। तो यदि हम x और y अब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक ट्रिक यूज करते हैं कि ये जो चार इक्वेशंस है इसमें से हम दो दो डिफरेंट इक्वेशंस की रेशियो लेंगे और उसके अब उसमें रेशियो लेने के लिए हम एक चीज का खास ध्यान रखेंगे कि जो कंसेंट्रेशंस a की सेम है उन दो इक्वेशंस का हम रेशियो लेंगे। वैसे ही यदि हम डेटा में देखें तो सेकेंड और थर्ड जो डेटा है उसमें a की कंसेंट्रेशन सेम है तो हम उसमें बी के, क्योंकि उसमें क्या होगा हमारा एक एक्स जो है वेरिएबल एलिमिनेट आउट हो जाएगा तो हम बहुत इजीली वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे यदि हम फर्स्ट और फोर्थ जो डेटा देखें तो उसमें हमारे पास जो बी की कंसेंट्रेशन सेम है तो उसमें क्या हो जाएगा, बी एलिमिनेट आउट हो जाएगा और हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं या एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लॉजिक के साथ स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इस तरह से जब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का रेशियो लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी कि y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2। इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो इनिशियल रेट हमें वैल्यू बड़ी दी है वो वैल्यू हमेशा हम न्यूमरेटर में लेंगे और छोटी वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में लेंगे। जैसे वैसे तो रेशियो लेंगे कोई भी आ सकती है, मतलब रेशियो तो अल्टीमेटली आई जाएगी पर एक आएगा हमें इंटीजर वैल्यू में आएगी, दूसरी हमें फ्रैक्शन में आएगी, तो फ्रैक्शन को वापस इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी हम रेशियो ले रहे हैं तो जो रेट की वैल्यू हमारे को बड़ी दी हुई है, जैसे इसमें 2.88 और 7.2 में 2.88 इज अ बिगर वैल्यू,
बिकॉज उसका एक्सपोनेंशियल पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 है और 7.2 की जो है एक्सपोनेंशियल पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है, तो 2.88 बड़ी वैल्यू होगी, उसे हम न्यूमरेटर में ले लेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही अब हम फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन का रेशियो लेंगे। तो अब हमें मिल गया कि जो y है वो 2 है और x की वैल्यू 1 है, मींस b के दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और a का एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है इन स्लो रेट डिटरमिनिंग इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगी। तो अब हम ऑप्शंस देखें कि हमारे को जो ऑप्शंस गिवे थे उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यदि हम देखें तो हमारा जो हमारा डेटा आया है तो उसमें हमारे को बी जो है 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं और ए 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो उसके हिसाब से सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका आंसर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे एक और क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे को बेसिकली एक रिएक्शन है ए प्लस बी इज गिविंग पी और उसमें हमें ए और बी की डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी हुई हैं और उन कंसंट्रेशंस के साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमें गिवन है कि रेट गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है। तो फर्स्ट इसमें हम हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन बना लेंगे। तो हाइपोथेटिकल रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारी बन गई। अब हम इसमें बेसिकली वैल्यूज डालेंगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू पता है, ए की पता है, बी की पता है और सेम मेथड हम अडॉप्ट करेंगे कि रेशो लेंगे। तो अब मैं आर, ए और बी की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशंस बना लेता हूं। तो अब हम इसमें देखें तो सेम हो जाएगा। यदि हमने बी को कैलकुलेट करना है या वाई को कैलकुलेट करना है तो वाई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को जो है, अब यदि हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करें तो उसमें दोनों का रेट सेम है, तो हम ये देखेंगे कि किसकी कंसंट्रेशन हायर है। जो जिस बी में कंसंट्रेशन हायर है उसको हम न्यूमरेटर में ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई कि 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर y। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 जो होता है एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो हम वो कंसेप्ट यूज करेंगे। तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि b के कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में और सिर्फ a के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ हमें b का एक ही 0 ऑप्शन था, बाकी और कोई नहीं था, इसलिए हम इसमें डायरेक्टली जज कर सकते हैं। तो यदि हम अब a को सॉल्व करके देखें तो हमें जो है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का रेशियो लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम डेटा को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिशियल रेट मेथड। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे, यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखो कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और आइकन प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करनी है। और यदि आप नोट्स ढूंढ रहे हैं और उसके साथ असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो ये जो लिंक आपको डिस्प्ले हो रहा है इस लिंक को फॉलो करो और इस लिंक को फॉलो करके आप असाइनमेंट्स, नोट्स, एमसीक्यू और टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।